भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस वक्त चीन के फैले कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोविड 19 के संक्रमण से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। इन सबके बीच एक और खगोलीय घटना से लोग डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें चल रही हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया में बहुत जल्द बड़ी तबाही आएगी और 29 अप्रैल तक दुनिया खत्म हो जाएगी। कई यूजर्स इन खबरों के कुछ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप किसी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हवाले से एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। झूठे मैसेज के दावे हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। समर्थन में कुछ फोटो और वीडियो भी फैलाए जा रहे हैं। एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें पृथ्वी के करीब आते हुए एक क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का कैप्शन दिया गया है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों किया जा रहा है ये दावा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में एक सूची जारी की थी। इसके मुताबिक 29 अप्रैल 2020 तक एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से होकर गुजरेगा, जिसका आकार हिमालय के आकार का आधा होगा। हालांकि अब कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर झूठे दावे कर रहे हैं और फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर क्या है इसकी हकीकत? बेशक 29 अप्रैल को एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से होकर गुजरेगा। नासा के मुताबिक करीब 2000 फुट क्षेत्रफल वाले 1998 OR2 नाम का उल्कापिंड भूमि से 1.8 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ही चला जाएगा। पिछले 400 वर्षों में या आने वाले 500 वर्षों में भूमि में इतनी करीब आने वाला उल्कापिंड और कोई नहीं है। लेकिन इससे पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए नासा के हवाले से 29 अप्रैल को दुनिया के अंत का ऐलान करने वाले दावे झूठे हैं। यही नहीं, नासा के सेंट्री इंपैक्ट रिस्क पेज पर भी कोई इसका जिक्र नहीं है। नासा का ये पेज पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाली संभावित घटनाओं की निगरानी करता है। जितनी तेजी से इंटरनेट पर पहुंच बढ़ी है, सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलना उतना ही आसान हो गया है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको सचेत किया था कि 29 अप्रैल को जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इसे लेकर आप बरतें सावधानी। सोशल मीडिया पर चल रहे इन खबरों का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई स्टोरी आती है तो उस पर यकीन करने से पहले विचार करें कि खबर का सोर्स क्या है, इसे फॉरवर्ड क्यों किया जा रहा है, इसका असर क्या होगा। अगर संबंधित खबर से आप खुद ही तनाव महसूस करते हैं तो उसे आगे फॉरवर्ड न करें और अपने तक ही डिलीट कर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।